हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे कि आपको एक डिवॉप्स इंजीनियर बनना है तो आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए डिवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए, प्लस आप कौन से ऑर्डर में जाइए कि आप एक अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर बन सको। तो आज हम एक पाथ दिखाएंगे आपको कि आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, प्लस आप वन बाय वन कैसे वो स्किल्स सीखे और एक अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर बने। तो आइए देखते हैं कि कौन सी स्किल्स हमारे पास एक अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम एडमिन हैं, आप डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, या नेटवर्क इंजीनियर, और या आप लिटिल आईटी जानते हैं या कुछ आईटी का नहीं जानते और आपको डिवॉप्स इंजीनियर बनना है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास कौन सी स्किल्स है और आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है एक डिवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपको कौन सी डिवॉप्स की स्किल सेट आपके पास होनी चाहिए तो आप एक अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर बन सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें और आप कैसे एक अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर बन सके। तो हम पूरा एक स्किल सेट आपको दिखाएंगे कि इतने इतने स्किल्स आपको डिवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए चाहिए होगी। डीप नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाई लेवल पे कैसे सब वर्क होता है वो आपको पता होना चाहिए तो आपके लिए इजी रहेगा एक डिवॉप्स इंजीनियर की स्किल ग्रैप करना और एक अच्छा डिवॉप्स इंजीनियर बन के अच्छा परफॉर्मेंस देना। तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट स्किल हमारी कौन सी है हमारे डिवॉप्स स्किल सेट में। ओके, तो फर्स्ट स्किल है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे डेवलपर्स जो है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो कौन सा वर्क फ्लो यूज कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो कौन सा गिट वर्क फ्लो यूज करते हैं, प्लस हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट से लेके कोडिंग तक और कोडिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक पूरी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और ये सब स्किल्स होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हो, पर आपको पता होना चाहिए कि ये सभी चीजें कैसे हाई लेवल पे वर्क करती है कंसेप्चुअली। तो नेक्स्ट स्किल है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। आपके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डेवलप्ड हो गई है तो अभी आपको वो डिप्लॉय करनी है आप अपने एंड यूजर्स को। तो उसके लिए आप एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे सर्वर्स में आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी और आपके एंड यूजर्स को अवेलेबल होगी। तो एक डेवॉप्स इंजीनियर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना आना चाहिए, उसको प्रोविजन करना आना चाहिए, उसको मेंटेन करना आना चाहिए, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने आने चाहिए, और उसके लिए आपको ओएस की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सेटअप करना आना चाहिए ऑन प्रीमिसेस या क्लाउड पे, दोनों पे। तो अगर हम अभी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जैसे कि डॉकर, तो डॉकर की भी नॉलेज आपको होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक से ज्यादा कंटेनर के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको कुबरनेटीज की भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल बहुत फेमस है। और ये सब टूल्स आप ऑन प्रीमिसेस भी यूज कर सकते हैं और क्लाउड पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड पे यूज कर रहे हैं तो आजकल बहुत सारे क्लाउड्स है पर AWS सबसे फेमस है, उसमें से सबसे यूज्ड है। तो अगर आप AWS पे वर्क कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको आपके पास AWS के सारे सर्विसेज की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करें वहां पे और कैसे मेंटेन। और आगे की जो प्रोसेसेस है जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट दोनों को हम कंबाइन करें तो डेवॉप्स प्रोसेस का हार्ट क्रिएट होगा जो है CI/CD पाइपलाइन। तो हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम कैसे इसे डिप्लॉय करेंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम मैन्युअली डिप्लॉय करेंगे डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट पे तो मैन्युअल एरर्स आ सकती है, ह्यूमन एरर्स आ सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और एक्सीडेंटली भी कोई एरर हो सकती है हमसे गलती से। तो इसीलिए हमने गेट कीपर्स रख दिए हैं पूरी पाइपलाइन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कोड है वो क्रिएट सॉफ्टवेयर है जो वो क्रिएट होगा, उसके बाद उस पे टेस्ट रन होगी, वो सबसे पहला गेट कीपर है। सेकेंड गेट कीपर है कि वो
डॉकराइज होगी पूरी हमारी एप्लीकेशन। थर्ड गेट कीपर है कि वो जो आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ है वो पुश होगा और लास्टली डिप्लॉय होगा। तो ये सब गेट कीपर्स हमने क्यों रखे हैं यहाँ पे, तो ये सब गेट कीपर्स है वो हमारी कोड की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, फिर कोड के लॉजिक को टेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और लास्टली परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जैसे उसे परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर रही है या नहीं। और ये सब टूल्स को CI/CD पाइपलाइन और गेट कीपर्स के साथ हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है डेवॉप्स के लिए। तो अगर हम CI/CD पाइपलाइन की बात करें तो उसमें जो टूल्स है CI/CD के, जो है जेंकिन्स, गिटहब CI/CD, सर्कल CI, तो ये सारे टूल्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्लस ये सारे टूल्स आपकी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कंबाइनली वर्क करते हैं, जैसे कि कैसे टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, कैसे वो सब प्रोसेस करते हैं, उसकी नॉलेज आपके पास होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेवॉप्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे मॉनिटरिंग की। आगे हमने देखे स्टेप्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखा, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट देखा, CI/CD पाइपलाइन देखी और अब हम मॉनिटरिंग देखेंगे। तो हम ह्यूमंस है राइट, हम जितना भी एक्यूरेसी किसी चीज में डाल दे, कितनी भी मेहनत कर दे, पर कुछ ना कुछ तो हमसे छूट ही जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने मॉनिटरिंग फेज रखा है। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं फिर डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करके हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, हमने डिप्लॉय कर दी है, अब हम नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के बाद हमें 7 घंटा या 2 दिन उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है कि वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। अगर कुछ भी क्रैश हो गया आपके एप्लीकेशन में या किसी भी यूजर को दिक्कत आई तो आपको प्रोएक्टिवली वो इश्यू सॉल्व करना है। तो इसीलिए मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपके पास मॉनिटरिंग की स्किल है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवॉप्स के लिए। ओके, तो लास्ट फेज हमारा है डेवॉप्स का जो है ऑटोमेशन। हम हमारा वर्क भी ऑटोमेट करते हैं और हम दूसरे इंजीनियर्स का भी वर्क ऑटोमेट करते हैं। हम ऑटोमेशन क्यों करते हैं? अगर हमें रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम उस टास्क को ऑटोमेट कर देंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फिर वो टास्क परफॉर्म करते रहेगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि आपको हर कोड रिलीज होता है तो आपको उस पे रन टेस्ट करनी है, फिर सिक्योरिटी पैरामीटर्स परफॉर्म करने देख चेक करना है, फिर आर्टिफैक्ट बिल्ड करना है और वो फिर डिप्लॉय करना है, तो आप ये सब मैन्युअली थोड़े थोड़े कोड रिलीज के करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट से ज्यादा वो बहुत टाइम टेकिंग होगा आपके लिए। तो ये सारी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देते हैं और जेंकिंस ये सब ऑटोमेट करके हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करता है ऑटोमेटिकली क्लाउड पे। और अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की तो हम 24 घंटा बैठ तो नहीं सकते कुछ भी चीज मॉनिटर करने के लिए। तो हम मॉनिटरिंग टूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे सर्वर्स पे, तो अगर कुछ भी हमारे सर्वर पे प्रॉब्लम हुआ तो वो हमें अलर्ट जनरेट करेगा और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हुआ है तो हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो ऑटोमेशन बेसिकली हमारा टास्क जो है वो बहुत कम कर देता है और हमारी जो प्रोसेस टाइम है वो बहुत फास्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे जो टास्क रिपीटेटिव है वो ही ऑटोमेट करते हैं, हम जो टास्क रिपीटेटिव नहीं है वो भी ऑटोमेट करते हैं, जैसे कि प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्रिएशन ऑफ कुबरनेटिस क्लस्टर। तो ये जो टास्क है वो हम ऑफन क्रिएट नहीं करते, पर हमें एप्लीकेशन की जरूरत होती है इसीलिए हम इसे ऑटोमेट करते हैं। अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन क्रैश होगा तो हमारे पास रेप्लिकास पड़ी होगी, बैकअप पड़ा होगा, इसीलिए वो सेफ रहेगा हमारे लिए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के भी सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम हमारे टीम में कोलैबोरेटिव वर्क कर पाएंगे। प्लस हमारा पूरा जो कोड है वो सेंट्रलाइज जगह पे रहेगा, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। और हम टेराफॉर्म, एंसिबल, पपेट टू जैसे टूल चूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर से कोड जनरेट कर सकते हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये टूल्स को आपको यूज करना आना चाहिए, कॉन्फिगर करना आना चाहिए, तो एक आपके लिए बहुत अच्छा स्किल बन जाएगा डेवॉप्स के लिए। तो अगर आपको एक अच्छा डेवॉप्स इंजीनियर बनना है तो आपके पास ये पूरी स्किल सेट होनी चाहिए। मैंने जो पीछे स्किल्स लिस्ट की है वो आपके पास होनी चाहिए, तो एक आप अच्छे डेवॉप्स इंजीनियर बन पाएंगे।
तो आज हम दिखाएंगे आपको कि अगर आप एक सिस्टम एडमिन है, डेवलपर है, टेस्टर है, नेटवर्क इंजीनियर है, या फिर आप नॉन आईटी पर्सन है, या आपको लिटिल आईटी का नॉलेज है, तो आप एक डिवॉप्स इंजीनियर कैसे बन सके, आपके पास कौन सी स्किल्स ऑलरेडी है और आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, वो हम आपको आज दिखाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम एडमिन से। तो अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके पास ऑलरेडी सर्वर्स एडमिन करने की या बाकी सारे सिस्टम एडमिन करने की स्किल्स आपके पास होंगी, प्लस एडिशनल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की भी स्किल होगी और उससे कॉन्फ़िगरेशन, उसे डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करना, प्लस आपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क किया होगा, उस पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर किए होंगे, आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर उसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया होगा। तो ये सब जो स्किल्स मैंने बोली वो आप में ऑलरेडी है, तो ये एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपके पास ऑलरेडी है। प्लस आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिक सीखना होगा और समझना होगा कि हमारी जो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करती है, हमारे डेवलपर्स कैसे वर्क करते हैं, कौन सा वर्क फ्लो यूज करते हैं, वो गिट का कौन सा वर्क फ्लो यूज करते हैं, तो ये सब आपको सीखना होगा। अब कुछ सिस्टम एडमिन को स्क्रिप्टिंग भी आता होगा तो वो भी एक एडिशनल पॉइंट है इसके लिए। तो बेसिकली डेवॉप्स का काम क्या है कि हमें कोडिंग करना हमारा काम नहीं है, तो मेन काम हमारा ये है कि हम ये सारी प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करें और हमारा जो जो एप्लीकेशन है वो डिलीवर करें विथ लेस इश्यूज एंड लेस बग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डेवॉप्स का काम है। और मैंने बोला जैसे कि आपके पास स्किल्स तो कुछ है, तो कुछ ही आपको स्किल्स डेवलप करनी है, तो ऐसे आप ये सब स्किल्स डेवलप करके आप एक अच्छे प्रोफेशनल डेवॉप्स इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपको डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नॉलेज है, पूरी प्रोसेस की नॉलेज है डीप में। तो आपके पास जो स्किल नहीं है वो है सर्वर मैनेजमेंट की, तो आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना सीखना होगा, फिर सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा, फिर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा, और ये सब आपको क्लाउड पे कॉन्फ़िगर करना भी सीखना होगा, क्योंकि आजकल जो हमारी मॉडर्न एप्लीकेशन है वो सब क्लाउड पे रन हो रही है, तो आपको ये सब क्लाउड पे भी कॉन्फ़िगर करना सीखना होगा। और लास्टली जब ये सब आप एक बार सीख ले, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप कंटेनर कैसे रन होता है वो सीखेंगे, फिर आप कंटेनर में एप्लीकेशन कैसे रन होती है वो सीखेंगे, और लास्टली हमारा जो कंटेनर है वो किसी प्लेटफॉर्म पे कैसे रन होता है वो सीखेंगे। तो आपको ये सभी स्किल्स बढ़ानी होगी एक डेवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप एक टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर है और आपको एक डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की नॉलेज है, आपको पता है कि हमारे डेवलपर्स कैसे वर्क करते हैं, कौन सा वर्क फ्लो यूज करते हैं, और एडिशनल आपके पास टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स का भी बहुत नॉलेज होगा, और आपको एप्लीकेशन टेस्टिंग करनी भी आती होगी ऑटोमेटेड। तो ये जो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल स्किल है, क्योंकि हम ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं जहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल डेवॉप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर है और आपको डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन स्किल होंगी। तो आजकल की बहुत सारी हमारी कंपनियां हैं वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव कर रही है, तो जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर है वो क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हैं। तो नॉर्मली फिजिकल राउटर, स्विचेस या नेटवर्क पे वर्क करने के अलावा वो जो क्लाउड इंजीनियर्स है वो वर्चुअल राउटर, स्विचेस और नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको वर्चुअल राउटर, स्विचेस, नेटवर्क क्रिएट करना आता है, तो आपको वर्चुअल मशीन का नेटवर्क या कंटेनर्स का नेटवर्क समझने के लिए बहुत इजी रहेगा, और आप डॉकर और कुबरनेटीज के साथ इजीली वर्क कर पाएंगे। प्लस आपके पास अगर स्क्रिप्टिंग नॉलेज है तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा स्किल रहेगा एक अच्छे प्रोफेशनल डेवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए।
अगर आप नॉन आईटी है या आपके पास लिटिल आईटी बैकग्राउंड है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उतना जान लीजिए कि डेवॉप्स जो है वो एक एंट्री लेवल जॉब या फील्ड नहीं है आईटी में। डेवॉप्स एक ऑटो डेवॉप्स क्या करता है कि वो सब ऑटोमेट करता है, डेवलपिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक पूरा जो है वो ऑटोमेटेड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ भी ऑटोमेट करना है तो हमें उसे मैन्युअली भी समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके कॉन्सेप्ट्स या और वर्क फ्लो पे डीप डाइव करें, उसे क्लियरली समझें। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करें पूरी। हमारे डेवलपर्स कैसे वर्क करते हैं वो आप सीखें, वो आप जानें। देन आप एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना सीखें वर्चुअल सर्वर्स पे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करिए। तो ये सब से आप सीखेंगे कि आप कैसे डेवलप करते हैं, पूरी प्रोसेस डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो धीरे धीरे आप पूरी प्रोसेस सीखेंगे कि एक्चुअली हम ऑटोमेशन में क्या करते हैं। और नेक्स्ट कि हम आप ट्यूटोरियल्स देखेगा अजाइल और स्क्रम मेथड्स के, और प्रीक विजिट जो मैंने कहा है कि आपको कंटेनर्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो उस सब हाई लेवल पे कैसे वर्क करते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो पूरा वीडियो शॉर्ट में समराइज करने के लिए, डे ऑफ्स रोड मैप में 4 फेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग द प्रीरिक्विजिट्स, आपके पास जो मिसिंग है जो स्किल वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप सिस्टम एडमिन हैं या आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क फ्लो पर वर्क करना पड़ेगा, अपने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको सर्वर मैनेजमेंट स्किल्स सीखने होंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप है टू लर्न डॉकर क्लाउड एंड कुबरनेट्स। तो यहाँ पे हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि कैसे कंटेनर्स के साथ हम वर्क कर सकते हैं और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स के साथ भी कैसे हम वर्क कर सकते हैं। बस हमें हमारी अगर एप्लीकेशन है वो एफिशिएंटली रन करानी है तो हमें डॉकर और कुबरनेट सीखना होगा। आजकल की बहुत सारी कंपनियां क्लाउड पे शिफ्ट हो चुकी हैं तो हमें क्लाउड का नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और थर्ड फेज है वो हमारा ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन सबसे इम्पोर्टेंट है डेवॉप्स में। हमारी पूरी CI/CD पाइपलाइन हम वन बाय वन ऑटोमेट करेंगे इससे, तो ऑटोमेशन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और लास्ट फेज है हमारा गो फ्रॉम देयर। आजकल बहुत नए नए टूल्स डेवॉप्स में लॉन्च हो रहे हैं तो उसके भी आप प्रैक्टिस करें अपने टेक्नोलॉजीज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ प्रेजेंट डे अहेड।